आप सबने एलियंस के बारे में कहानियाँ तो सुनी होंगी और इससे जुड़े फिल्म्स भी देखे होंगे, लेकिन अभी भी ये हम सबके लिए एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि जब तक आप अपने आँखों के सामने न देख ले विश्वास नहीं होगा कि ऐसे भी प्राणी दुनिया में रहते हैं। जब पृथ्वी से परे स्थानों की खोज करने की बात आती है जहाँ हमारे सौर मंडल में जीवन पनप सकता है, तो कुछ सबसे पेचीदा लक्ष्य ग्रह नहीं बल्कि चंद्रमा है। यूरोपा जैसे बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं से लेकर शनि के चंद्रमा एनसेलेड्स तक, इन स्थानों को मोटी बर्फ की परतों के नीचे तरल जल महासागरों की मेजबानी करने के लिए माना जाता है, जो संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकते हैं। अब नए साक्ष्य एनसेलेड्स की रहने की क्षमता के लिए समर्थन का सुझाव देते हैं, और नासा इन दूर के चंद्रमाओं की यात्रा करने और जीवन के साक्ष्य की खोज करने के लिए मिशन विकसित कर रहा है। PNAS नामक पत्रिका में प्रकाशित एनसेलेड्स के बारे में शोध से पता चलता है कि चंद्रमा के महासागर में फास्फोरस घुला हुआ प्रतीत होता है, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। यह RNA और DNA के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, कोशिका झिल्ली में पाया जाता है और हमारे शरीर के भीतर हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। कैसिनी जांच के आंकड़ों का अध्ययन करके शोधकर्ता एनसेलेड्स के महासागर का एक मॉडल बनाने में सक्षम थे और इसमें खनिज कैसे घुलेंगे। यह आदत के दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है। किसी तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर संभावित रूप से रहने योग्य ग्रहों की तलाश करना अधिक सामान्य हुआ करता था, जहाँ सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता था। अब एक वैकल्पिक दृष्टिकोण महासागरों की तलाश करना है जो ठंडी दुनिया में सतह के नीचे बन सकते हैं और जिनमें जीवन के लिए आवश्यक तत्व हो सकते हैं। सौर मंडल में अलौकिक आवास की खोज ने ध्यान केंद्रित कर दिया है, क्योंकि अब हम जीवन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तलाश कर रहे हैं, जिसमें कार्बनिक अणु, अमोनिया, सल्फर असर वाले यौगिकों के साथ साथ जीवन का समर्थन करने के लिए आवश्यक रासायनिक ऊर्जा भी शामिल है। दक्षिण पश्चिम अनुसंधान संस्थान के क्रिस्टोफर ग्लेन ने एक बयान में कहा, फास्फोरस एक दिलचस्प मामला प्रस्तुत करता है, क्योंकि पिछले काम ने सुझाव दिया था कि यह एनसेलेड्स के महासागर में दुर्लभ हो सकता है, जो जीवन की संभावनाओं को कम कर देगा। बहरहाल, देखते हैं आने वाले समय में कितनी कामयाबी मिलती है।